अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं वहाँ पहुँच के आपको बताऊँगी, क्योंकि आपके लिए ये सरप्राइज़ है, इससे पहले मैं आपको नहीं बताना चाहती। तो वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ मैं आपको दिखाऊँगी कि आपके लिए क्या सरप्राइज़ है। जी, अब हम घर से निकलने लगे हैं तो वहाँ पहुँचूँगी। पहुँच के फिर मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा सरप्राइज़ है आपके लिए, और जिसका हमने इतनी देर से वेट किया है, तो आज हमारा वो सरप्राइज़ जो हमें मिलने वाला है। ये जी, हम चनगान ओशन के वहाँ पे पहुँच आए हैं। ये उनका शोरूम है, उनके शोरूम पे हम पहुँच गए हैं। तो माशाल्लाह जी, ये हमारी गाड़ी आ गई है और ये आज हमें इन्होंने हैंड ओवर करनी है, और तैयार करके इन्होंने बाहर खड़ी की हुई है, ये हम देख रहे हैं। तो सारा जो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर अब हम घर लेके जाएंगे। ये जी, हमें मिल चुकी है, अब हम घर लेके जा रहे हैं। घर पहुंच के फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये हम घर पहुंच आए हैं और ये हमारी गाड़ी है जी, ये घर में खड़ी हो गई है। माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है, और ये इसकी जो है ग्रिल है आगे से, ऐसे समंदर की लहरों की तरह बहुत प्यारी लग रही है। और हमने ब्लैक कलर में नहीं की ली, क्योंकि ब्लैक कलर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, उसे साफ़ रखना भी बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए वाइट कलर लिया है। तो अंदर से भी ये माशाल्लाह बहुत बड़ी है, काफ़ी इसकी कंफर्टेबल सीटें हैं, खुली खुली सीट्स हैं, आराम से आप बैठ सकते हो, जैसे बाकी गाड़ियों में होती हैं बहुत छोटी छोटी सीट्स होती हैं बाहर गाड़ियों में, लेकिन इसकी बहुत ही ये जी कंफर्टेबल सीट्स हैं। माशाल्लाह हमारी तो गाड़ी है। ये इसके फीचर्स हाँ मैं अभी आपको हाँ जी, दिखाती हूँ हम अंदर अभी से, थोड़ी देर पहले तो मेरा लेके आए बेटा हैं। आपको बताता है तो उसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं। ये ये जी इसकी इसकी एलसीडी एलसीडी है, है, ये देखिए माशाल्लाह। माशाल्लाह वो काफ़ी बड़ी है, और ये फीचर मेरा बेटा बताने लगा है। जी बेटा, आप मुझे बताएं। जी सबसे पहले हम शुरू करते हैं राइट साइड से। यहाँ पे अच्छा हमारे पास सारे फीचर्स आ जाते हैं इसके एंटरटेनमेंट स्क्रीन के। यहाँ पे म्यूज़िक की ऑप्शन आ गई, होम बटन आ गया, वॉल्यूम अप डाउन म्यूट का ऑप्शन। यहाँ पे आप जो है गाड़ी से खुद बात कर सकते हैं इस बटन के थ्रू। ये आपके कॉल रिसीव और कॉल कट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे आपके आ जाते हैं क्रूज़ कंट्रोल का, साथ में ये आपका DVR आ जाता है, जिसके अंदर आपके सारे जो है कैमराज आ जाते हैं। देख सकते हैं बैक कैमरा, साइड कैमरा, 360 कैमरा, सारे कैमराज इसके अंदर आ जाते हैं। होम बटन दबाएंगे, वापस हम इसके ऊपर आ गए। इसकी TFT स्क्रीन जो है, इसके अंदर हमें फ्यूल गेज मिलता है, टेम्परेचर गेज मिलता है, साथ में RPM मीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, और साथ में इसका फ्यूल गेज वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, आपको पता चल जाता है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी जो है मेन स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको वॉल्यूम म्यूज़िक की ऑप्शन मिल जाती है, FM रेडियो, साथ में नेविगेशन की ऑप्शन मिल जाती है, जो अभी कनेक्टेड नहीं है। नेविगेशन के बाद फ़ोन है, कार ऑटो है, इसके साथ एंड्रॉयड ऑटो और आईफोन भी कनेक्ट हो जाता है। साथ में इसके अंदर फाइल की ऑप्शन है, आपका DVR कैमरा आप यहाँ से भी चला सकते हैं। उसके बाद आपकी व्हीकल सेटिंग्स आ जाती हैं। व्हीकल सेटिंग्स के अंदर जो है आप अपने शीशे जो है अपने जो है विंडोज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ऊपर नीचे वेंटिलेशन की सारी कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये आप यहाँ से ड्राइविंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ से आप कस्टम पे जा सकते हैं, कंफर्ट पे, स्पोर्ट्स पे और इको पे। उसके बाद फिर अगर आप कार की लाइटों पे, आप यहाँ से अपनी लाइट्स का सारा चेक कर सकते हैं, मतलब अपने जो सारे फीचर्स हैं लाइट्स के, उससे रिलेटेड सारे बॉडी पार्ट्स के सारे आ जाते हैं। आपने लॉक कैसे करना है, अनलॉक कैसे करना है, क्या क्या फीचर्स है, अलर्ट के लिए क्या क्या है। उसके बाद एयर कंडीशनिंग की सारी फैसिलिटीज़ और सारे उसके फीचर्स इसके अंदर आ जाते हैं। ड्राइवर सपोर्ट के अंदर आपकी सारी जो है वार्निंग्स के लिए जो है वो सारी ब्रेकिंग सिस्टम जो भी है वो सारा आप ऑन कर सकते हैं, मैंने ऑफ रखा हुआ है यहाँ पे, वो सारा जाता है। उसके बाद व्हीकल कंडीशन के अंदर जाए तो आपको व्हीकल डायग्नोस्टिक मिलता है, जिसके अंदर सारा गाड़ी के अंदर बताता है कि आपकी गाड़ी के अंदर क्या क्या है, क्या क्या चेक होने वाला है। इस वक्त गाड़ी के अंदर सब कुछ नॉर्मल है, ऑब्वियसली क्योंकि नई गाड़ी है। ये था इसके अंदर सब कुछ। ये जी, आपने सुन लिया होगा, ये मेरे बेटे ने सारे फीचर के बारे में बता दिया हुआ है। तो ये सारा मैं अंदर से आपको इसका दिखाती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी गाड़ी है। जो पीछे वाली सीट है उसके लिए ये एसी है, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कूलिंग है इसकी। तो पीछे भी इतनी पैनारामिक जो ऊपर छत है, ये देखें ये ओपन हो रही है, ये बहुत प्यारी। बच्चों को इसी का ज़्यादा शौक होता है तो ये ओपन हो रही है। ये देखें, मैं अब खड़ी हो गई हूँ बाहर,
जी जबरदस्त। ये अब ये देखें ये बंद हो रही है। ये जी बंद हो गई है। और बाहर से मैं आपको दिखाती हूँ सारा। चलें जी बाहर चलते हैं। ये माशाल्लाह बाहर से है। ये इसकी डिग्गी देखें कितनी बड़ी है। जितना मर्जी आपने कहीं जाना है, जितना मर्जी आप सामान यहाँ पे रख सकते हो, बल्कि एक बंदा भी आराम से यहाँ पे सो सकता है। कोई आपके एनिमल्स वगैरह जो भी है आप कहीं लेके जा सक जाना हो। ये जी आपने मेरी गाड़ी देख ली। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कंजूसी ना किया करें सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, शेयर करने में। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।